हेलो, हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर आपको बहुत सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ। अब इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का वीडियो देखा, उसमें हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो गोल्डन रूल्स है वो क्या है। अगर आप अकाउंटिंग की दुनिया में सबसे पहली बार इस चीज़ को देख रहे हो, पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो ये याद रखो कि गोल्डन रूल्स आर रियली द गोल्डन रूल्स। मतलब इसे आपको आपके लाइफ टाइम संभाल के रखना है, आपको आपके लाइफ टाइम में ध्यान में रखना है, आपको आपके लाइफ टाइम में जहन में रखना है। बिकॉज जितनी भी बार आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करोगे, क्रिएट करोगे, बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, जो भी वर्ड आपको यूज़ सूटेबल लगे यूज़ कर लो, तब आपको ये गोल्डन रूल्स याद होने चाहिए। जब हम पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स के लिए कोई ट्रांजैक्शंस बनाते हैं, या कोई ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, रियल अकाउंट से रिलेटेड हो, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो, तो कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती है, ये गोल्डन रूल बताता है हमें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पर्सनल अकाउंट। अभी बैठ के याद कर लीजिए, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये क्यों ऐसा होता है, या फिर इसे कैसे कनेक्ट करें सर? तो इसे कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, जब हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। सो क्रेडिटेड, राइट। लेकिन ये सामने वाला दे रहा है हमें, कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। सो किसने क्रेडिट किया? बैंक ने क्रेडिट किया, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? डेबिट द रिसीवर, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट में याद रखना, जब डेबिट हो रहा है तो डेबिट करने वाला इज द रिसीवर, क्रेडिट करने वाला इज द गिवर। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आपका नाम डेबिट में आया है तो यू आर द रिसीवर, अगर आपका नाम क्रेडिट में आया है यू आर द गिवर। ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। देन रियल अकाउंट्स, अब जब रिसीव हो रहा है पर्सनल में तो रियल में क्या होगा? कुछ आ रहा है अपने अकाउंट्स में। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि हमारे पास कुछ आ रहा है तब वो डेबिट हो रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। सो क्रेडिट क्या है? जो जा रहा है बाहर। याद रखिएगा, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को मैच कर सकते हैं आप लोग, बट उसका जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग लिखना है आपको, सिमिलर नहीं लिख सकते। ये रूल है और रूल्स वी कैन नॉट चेंज। सो पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट में क्या लिखते हैं हम लोग? सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या लिखते हैं? सारे इनकम्स एंड गेन्स। तो जब हम कोई अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या फिर इवन लेजर हो, याद रखना पर्सनल अकाउंट आए तो जो पैसा आ रहा है तो उसको डेबिट साइड में लिखना, जब पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना। एनीथिंग कम्स इन, डेबिट साइड, एनीथिंग गोज आउट, क्रेडिट साइड। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट साइड। ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट साइड। ये रूल अच्छे से याद रखना। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पुराना जो लेक्चर है, इसके पहले वाला क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उससे समझ में आएगा कि क्यों ये ऐसा बनाया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में एक ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। सो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स। तो हमें दो एस्पेक्ट्स की चार्ट बनानी है, दो अकाउंट्स के चार्ट बनाने हैं या टेबल बनाना है एंड उसे क्लासिफाई करना है अकाउंट्स को। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज 20,000। अब बिजनेस की शुरुआत की है रुपीज 20,000 से। सिंपल, बिजनेस में किसी ने पैसे भेजे हैं, राइट। तो एस्पेक्ट वन एंड एस्पेक्ट टू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ट्रांजैक्शन लिखना है, यानी हम बिजनेस के लिए अकाउंट्स बना रहे, पर्सनल के लिए नहीं। तो बिजनेस में पैसा क्या आ रहा है? कैश कम्स इन। प्रोपराइटर क्या कर रहा है? कैश दे रहा है, तो प्रोपराइटर इज अ गिवर, ठीक है। इसी का सेम इफेक्ट देखते हैं,
टू एस्पेक्ट्स एंड टू अकाउंट्स। टू एस्पेक्ट्स क्या है? कैश कम्स इन, कैश अकाउंट। बिजनेस प्रोपराइटर इज गिवर, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए ये अब थोड़ा सा कंपेरेटिव करने के लिए हमने देखा, बाद में इसको अच्छे से हम एक टेबल टू टेबल देखेंगे। सेकेंड एंट्री है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय रुपीज 10,000। परचेस्ड गुड्स क्या आ रहा है कंपनी में, क्या आ रहा है? गुड्स आ रहे, लेकिन वो गुड्स कैसे आ रहे? कैश में आ रहा है क्या? नहीं, क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, तो परचेज इज एन एक्सपेंडिचर। परचेज क्या है हमारे लिए? एक्सपेंडिचर है। हम गुड्स आ रहा है जा रहा है वो नहीं लिखेंगे, हमारे लिए वो इफेक्ट क्या है, दो एस्पेक्ट दिखाना है। तो इफेक्ट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट, ये गुड्स कौन दे रहा है हमें? अजय दे रहा है। ठीक है, देन कैश सेल्स रुपीज 7,000, गुड्स जा रहे हैं अभी तो इनकम है हमारे लिए, तो कैश कम्स इन, इसको ब्रैकेट में इनकम भी लिख सकते हो। जैसे ऊपर परचेज में हमने एक्सपेंडिचर लिखा, यहाँ पे हम सेल्स, कैश रिसीव्ड और इनकम लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड एस्पेक्ट, सेल्स इज एन इनकम, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर लिया कि सेल्स इनकम है। क्यों ऐसा लिखा है उन्होंने, किसी का नाम नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन ही नहीं है, कैश सेल्स ऑफ रुपीज 7,000, दैट्स इट। तो कैश कम्स इन और सेल्स जो है इनकम है। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 500, अगेन कैश कम्स इन, इट इज गेन्स, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। तो एस्पेक्ट लिखना है हमें यहाँ पे, सिर्फ दो दो नजरिए लिखने हैं उसके। पेड रेंट एक्सपेंसेस है, कैश गोज आउट, तो रेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट। इन्हीं ट्रांजैक्शंस का हम अकाउंटिंग इफेक्ट जो है या क्या अकाउंट बनेगा वो देखेंगे। तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट। बिजनेस प्रोपराइटर दे रहा है, तो बिजनेस प्रोपराइटर अगर दे रहा है तो उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल मानते हैं। तो वो कौन सा अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सेकंड, परचेजेस इज एन एक्सपेंसेस, परचेज जो है वो एक्सपेंस है, तो हम क्या अकाउंट बनाएंगे? परचेज अकाउंट बनाएंगे। अब अजय कौन है? एक पर्सनल है, नॉमिनल नेचुरल पर्सनल है। ठीक है, तो वो एक नेचुरल पर्सन है इसलिए उसका नाम हम लेंगे। ठीक है, उसका नाम सीधा सीधा मेंशन किया है, तो अजय अकाउंट। देन थर्ड में कैश कम्स इन, अब यहाँ पे भी कहाँ पे पैसा जा रहा है? कैश अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, तो वो कैश अकाउंट लिखेंगे। सेल्स इज एन इनकम, तो सीधा सीधा सेल्स लिखेंगे हम, कोई और दिक्कत नहीं है। सी कीवर्ड्स है यहाँ पे, बस ये कीवर्ड्स आपको याद रखना है कि क्या लिखना है। ठीक है, कैश कम्स इन, कैश अगेन अकाउंट बनाए। कमीशन इज एन इनकम, तो कमीशन अकाउंट, उसको एक नाम दिया गया है, क्योंकि ये सारे जो अकाउंट लिख रहे हैं ना हम लोग, ये सारे लेजर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल, अजय, कैश, कैश, रेंट, सेल्स, कमीशन, कैश। अब कैश अकाउंट का जब लेजर बनेगा ना, तो ये सारे ट्रांजैक्शन में जितने भी कैश 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 है वो हम लिखेंगे। ठीक है, और जितने भी कैपिटल है वो कैपिटल लिखेंगे। परचेज है किसी पर्सनल अकाउंट का, किसी पर्सन का नाम है, पर्सनल अकाउंट है, तो वो अकाउंट का अलग लेजर बनेगा। सो हमें एस्पेक्ट देखना है कि कौन से अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड में टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, एंड उसको क्लासिफाई भी करना है। तो हमने दो एस्पेक्ट देख लिए, कैश कम्स इन प्रोपराइटर, दैट इज कैपिटल इज द गिवर, उसका जो अकाउंट है कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब उसको क्लासिफाई करना है, तो एक है रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट, बिकॉज बिजनेस में पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट? तो ये रियल अकाउंट का फॉर्मूला है। गोल्डन रूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए गोल्डन रूल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैपिटल दे रहा है कोई, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। कौन दे रहा है? कोई एक इंसान दे रहा है, किसी का नाम होगा वहाँ पे, राइट? तो वो पर्सनल होगा, राइट? तो वो पर्सनल अकाउंट में जा रहा है। देन परचेज इज एन एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट में चला गया, और ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अजय इज अ गिवर, अजय अकाउंट, अगेन पर्सनल। तो जितना भी आप ये टेबल पढ़ लोगे ना, आपको दिखाई देगा कि ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, रियल, नॉमिनल, नॉमिनल, रियल, ऐसे अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है। ये क्यों किया गया है? तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये इन तीन गोल्डन रूल्स के वजह से किया गया है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट होगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये रियल और पर्सनल जानना है तो इसके पहले का जो वीडियो है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं वो देखा है। तो ये दोनों वीडियोस
बैक टू बैक आपको देखना है, पहले क्लासिफिकेशन वाला वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद गोल्डन रूल्स में आएंगे, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली पहुँच गए हैं तो। अगर पुराना वीडियो देखा है फिर भी नहीं समझा है, गो बैक टू दैट वीडियो, मेक नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस गोल्डन रूल्स। उसके बाद यहाँ पे रूल्स अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और ये फाइनल चार्ट जो है एक ही साथ में बना दीजिए, तो दो एस्पेक्ट, दो अकाउंट और क्लासीफाई करते हुए आपको समझ में आएगा कि जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने सुना, जो भी मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अभी तक कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए, बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब इसके आगे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, बिकॉज आप जानते हो कैसे अपने टीचर को मोटिवेट करना है, कैसे अपने टीचर को बताना है या सामने वाले को दिखाना है कि सर हम आपसे पढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर दिए हैं फिर भी बताना है कि हम आपके वीडियोस देख रहे हैं, तो लाइक बटन है, लाइक भी कर रहे हो और फिर भी कुछ बोलना है, दिल के अंदर कुछ होगा, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कुछ लिख दीजिए अच्छा खासा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।